मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक में है। ये वीडियो बनाने का पहले कारण बता देते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट का गार्जियन भी आते हैं, तो बहुत सारा गार्जियन का ये कहना है कि सर पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करते हैं, वो थोड़ा सा अगर बता दीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छा होता। तो पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करते हैं, मतलब कैसे हम लोग अपना जो पीएफ होता है, पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, कब कब पैसा जमा हुआ था, वो सारा डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं वेबसाइट के ज़रिए, ईपीएफओ का जो वेबसाइट से वहाँ से, तो कैसे उसको चेक करते हैं, तो वही आज के वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका भी अगर पीएफ अकाउंट है तो उस अकाउंट को कैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन में कि आपका पीएफ में कितना पैसा जमा हुआ है, कितना टोटल बैलेंस है, वो सब। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको गूगल खोलना होगा, कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, उसमें गूगल खोल के आपको लिखना होगा ईपीएफओ मेंबर पोर्टल, ईपीएफओ मेंबर पोर्टल और एंटर। तो उसके बाद आएगा मेंबर होम, मेंबर होम में क्लिक करने के बाद ईपीएफओ का जो मेंबर पोर्टल का वेबसाइट है वो आपके सामने खुलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो है कि आपका अगर पीएफ अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया हुआ है इस वेबसाइट से, तो पहले एक्टिव यूएएन में जाना होगा, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो एक्टिव यूएएन कैसे करते हैं उसका अलग वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसको एक्टिव करते हैं। तो एक्टिव हो जाने के बाद आपके मोबाइल में आपका यूएएन नंबर और एक पासवर्ड आ जाएगा, तो उस यूएएन नंबर और पासवर्ड को पाने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो पहले आपको करना क्या है, यूएएन का जो बॉक्स है उसमें क्लिक करना है, उसमें क्लिक करके जो आपका यूएएन नंबर है उसको टाइप करना है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक यूएएन नंबर टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड भी आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखा रहा है वो सही से डालना होगा, उसके बाद साइन इन। तो देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इस तरह का एक पेज फर्स्ट खुलेगा अलर्ट, तो इसको आप लेटर में क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिख रहा है, आपका जो डिटेल्स होगा वो इस साइड में दिखेगा। उसके बाद आपको अगर बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक करने के लिए देखिए थोड़ा सा इस पेज में भी दिखा देते हैं इसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या आपको यहाँ से मिल सकता है। आप व्यू में जाके प्रोफाइल देख सकते हैं अपना, अपना जो आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल को आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, आपका और भी फ़ोन नंबर वगैरह और भी कुछ चेंज करने का रहेगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री में आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ पे आप काम किए थे, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा एक ही आपका पीएफ नंबर में। उसके बाद यूएएन कार्ड, आपका जो पीएफ कार्ड है, यूएएन का जो कार्ड है वो कार्ड भी यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे यूएएन कार्ड शो हो रहा है। उसके बाद आप देख पाएंगे पासबुक, तो ये पासबुक से ही आप देख पाएंगे कि आपका पैसा कितना जमा हुआ है। तो पासबुक में आप जब क्लिक करेंगे तो अलग से एक टैप में अलग सा एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको फिर से आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड को टाइप करना पड़ेगा। तो मैं फिर से वही यूएएन नंबर और पासवर्ड को टाइप कर रहा हूँ। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो मैथ का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है 18+5 मतलब 23 होता है, तो 23 लिखिए और लॉगिन में क्लिक। सब कुछ अगर सही रहेगा तो यहाँ पे ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ से आपको पहले नेबर में क्लिक करना होगा क्योंकि पासवर्ड को आपको सेव नहीं करना है। इसके बाद मेंबर आईडी चूज़ करना है। अगर आप एक ही पीएफ अकाउंट में बहुत सारा जगह में काम कर चुके, मतलब बहुत सारा अलग अलग कंपनी में काम किए हैं और पीएफ वही है, मतलब अकाउंट सेम रहता है, तो यहाँ पे मेंबर आईडी बहुत सारा अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिसका हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसका एक ही जगह में काम किया तो इसलिए मेंबर आईडी भी एक ही दिखा रहा है, तो उसको पहले चूज़ करना है। उसके बाद व्यू पासबुक में क्लिक करना है। व्यू पासबुक में क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा पूरा डिटेल्स, कब आपका पैसा जमा हुआ था, टोटल बैलेंस आपका कितना है अभी, और भी कई सारा चीज़ें यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर जो भी है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही ईजीली आप अपना पीएफ को चेक कर सकते हैं। आपको अगर ये वाला पेज को डाउनलोड भी करना तो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड पासबुक
लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो आप किस में डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए वो पीडीएफ में होगा, पहले से बता रहा है, और डाउनलोड फाइल में क्लिक करना होगा। डाउनलोड फाइल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये आपका डाउनलोड हो गया। आप इसको प्रिंट करिए या अपने पास सेव करके रख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजीली आप अपना पीएफ अकाउंट को चेक कर पाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है अभी चेक करना। पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभी बहुत ही ईजी हो गया है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसको सेव करके रख दीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, लॉग आउट, आपको लॉग आउट करके निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो सारा कुछ देखने के बाद आप लॉग आउट में क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम भी लॉग आउट कर दिए, हो गया लॉग आउट। तो ये वाला पेज का जो टैब है इसको आप काट दीजिए। उसके बाद ये जो पेज है इसमें से भी आपको लॉग आउट करके बाहर आना है। तो एकदम ऊपर में कोना में देखिए लॉग आउट लिखा आ रहा है, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आपको लॉग आउट करना है, फिर जाके आप मेन पेज में आ जाएंगे। लॉग आउट करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो होता है फ्रेंड्स, रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।